जय हिंद दोस्तों, आई एम अरमान सर। जैसा कि हमने बताया कि हमारा चैनल रियल मैथ है, तो रियल मैथ में हमने आपको समझाया था कि हम उसमें चैप्टर वाइज चैप्टर आपको समझाएंगे ताकि आपको मैथ अच्छे से आ सके। तो हमारा रियल मैथ का पहला चैप्टर हमारा है 1.1। इसमें का लेसन का नाम हमारा जोड़ना तथा घटाना। जोड़ना घटाना तो सभी को आता है कि मान लीजिए बिल्कुल सिंपल सा जोड़ घटाना है आपका, 5-6 जोड़ना है, 15-20 जोड़ना है, घटाना है, तो ये सब बच्चे सभी कर लेते हैं। मगर हमारा सबसे मेन काम है इसके अंदर थोड़ा घुमा के आता है क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं, बोलते हैं 5 में 6 घटाइए, 5 माइनस 6 कितना होगा? तो वो बच्चे बोलते हैं कि 1 ही होगा। और 6 माइनस 5 कितना होगा? उसमें बोलते हैं बच्चे 1 ही होगा। तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंट होता है, यही चीज़ आपको आज समझाने जा रहे हैं हम। पहले हमारी बात को समझिए अच्छे से, आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए प्लस 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 होता है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। मतलब कि हमारा कहने मतलब ये है, अगर सेम टू सेम चीज़ रहेगा, सेम टू सेम साइन रहेगा तो प्लस रहेगा। देखिए यहाँ प्लस प्लस है तो प्लस है, माइनस माइनस है तो प्लस है, और डिफरेंट डिफरेंट साइंस रहेगा दिमाग क्या रहेगा उसके अंदर हमारा, माइनस रहेगा। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, समझ आ रहा ना दोस्तों? देखिए प्लस प्लस सेम टू सेम रहेगा तुम्हारा प्लस हो जाता है, माइनस माइनस सेम टू सेम रहेगा तुम्हारा कितना होता है, प्लस हो जाता है, और प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। इस बातों को आपको तो अच्छे से ख्याल रखना है, तो आपको जोड़ने घटाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे जितना घुमा फिरा के क्वेश्चन आपका उसके अंदर आ जाए। देखिए जोड़ने घटाने का एक नियम होता है, जो हमारा नियम है बता रहे हैं आपको, ऐसा नियम कभी आपको कहीं लिखा हुआ नहीं दिखेगा, थोड़ा अजीबोगरीब भी लगेगा आपको समझने में, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। देखिए जोड़ने तथा घटाने का नियम होता है, पहला नियम, सबसे पहले बड़ी गिनती का चिन्ह, चिन्ह क्या होता है, साइन लगाइए। सबसे पहले क्या करना है, बड़ी गिनती का साइन लगाइए। जैसे अगर आपको बोल देते हैं -7 + 8 कितना होगा, -7 + 8 कितना होगा, आपको सोचना पड़ेगा। तो हमारे नियम से करेंगे, अगर क्वेश्चन आपको थोड़ा घुमा फिरा के भी आएगा तो आपका काम उसमें अंदर हो जाएगा, तो इसलिए कह रहे हैं थोड़ा बहुत ध्यान से देखिए आप। हमने पहले क्या कहा आपका, सबसे पहले बड़ी गिनती का साइन लगाइए, हर गिनती का साइन उसके आगे होता है। जैसे 7 का साइन इसके आगे क्या है, माइनस, 7 का साइन क्या है, माइनस, और 8 का साइन क्या है, प्लस। 7 का साइन हमारा माइनस है तो 8 का साइन कितना हमारा, प्लस। तो हमने क्या कहा आपके पहले, सबसे पहले बड़ी गिनती का साइन लगाइए, हमारा बड़ी गिनती कितनी है इसके अंदर, 8 है, 8 का साइन कितना हमारा, प्लस, तो प्लस लगा देंगे। फिर दूसरी बात देखिए, चिन्ह को पढ़ो, चिन्ह मीन्स क्या होता है, साइन, साइन को पढ़िए, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ क्या लिखा है, माइनस प्लस, चिन्ह को पढ़ो फिर जो आए वो करो। माइनस प्लस, माइनस प्लस दोस्तों क्या होता है, माइनस, माइनस आया ना तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, 8 में 7 गया तो 1 आया, नहीं समझ में आया? देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, से -6 - -8 कितना होगा, -6 - -8 कितना होगा? तो इसी नियम से कीजिए आप, बड़ी गिनती का सबसे पहले बड़ी गिनती का साइन लगाइए, बड़ी गिनती माने कितनी इसके अंदर, 8 है, उसका साइन कितना है, माइनस, तो माइनस लगा दिया। देखिए जे हाँ हमने माइनस लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हमको माइनस ही करना है, इसको भूल जाइए आप, बड़ी गिनती का साइन लगाना हमको, पहले हमको केवल ये बात का ख्याल रखना है। ये हमने क्या कहा आपसे, हमने सबसे पहले बड़ी गिनती का साइन लगाइए, तो हमने बड़ी गिनती का साइन लगा दिया, कितना मारा, माइनस। फिर दूसरी बात हमारे क्या होती है, चिन्ह को पढ़ो फिर जो आए करो, तो कहे माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम लोग प्लस करेंगे, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 6 - 8 कितना होता है, 14, ये 14 हमारा आ गया। दोस्तों ख्याल रखिएगा, ये नियम केवल जब दो गिनती रहेगी तभी कर सकते हैं आप लोग, दो गिनती रहेगी तभी कर सकते हैं। जैसे समझ लीजिए माइनस यहां लिख लेते हैं 8 - 2 - 12 इज इक्वल टू कितना आएगा, 8 - 12। अब हमको देखना रहता है सबसे पहले बड़ी गिनती का साइन, जोड़ना है कि घटाना है इसकी टेंशन आप बिल्कुल ना लीजिए, आपको सबसे पहले ख्याल रखना है कि हमारा साइन कौन सा लग रहेगा इसके अंदर, हमारा गिनती कौन सी बड़ी गिनती है, 12 है, 12 का साइन कितना है हमारा, माइनस, तो माइनस लगा देंगे हम लोग। प्लस माइनस क्या होता है,
प्लस माइनस क्या होता है हमारा, देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है कि नहीं, तो माइनस कर देंगे हम लोग 12 में से 8 के कितना आएगा 4। तो इसी तरह दोस्तों आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। एग्जांपल ले लीजिए आप, एग्जांपल का क्या आइएगा, इसको कीजिए कोशिश कीजिए, माइनस 7 प्लस 8 माइनस 9 प्लस 7 9 माइनस 13, कोशिश कीजिएगा आप। इसका आंसर कल आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको हम, अभी हमारा जोड़ने कराने का नियम पूरा हुआ नहीं है, अभी हमने क्या थोड़ी चीज़ें आपको बताया, हमने वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना हो पाए इसलिए हम थोड़ा नॉर्मल आपको बता रहे हैं, इसके बाद आपको हम अच्छे से अच्छे और बताएंगे वीडियो हम। देखने के लिए थैंक यू।